नरसिंहपुर जिले के करेली में हुए करोड़ों के बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाले में मुख्य आरोपी बैंक मैनेजर अनिमेश मिश्रा को 1.5 वर्ष के बाद आखिर पुलिस ने भोपाल में दबोची लिया, जबकि इसके द्वारा मुख्य आरोपी हर्षित लोनावत को पुलिस 2 माह पहले ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के अंदर पहुंचा चुकी है। इस पूरे मामले को अब सीबीआई की कोर्ट में भी दिया जा चुका है और जल्दी दोनों आरोपियों को सीबीआई अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। वहीं इस मामले में नवकार एसोसिएट नाम की फर्म से करोड़ों रुपए कई हितग्राहियों के नाम से मैनेजर अनिमेश मिश्रा की मिलीभगत के चलते लोन पास करा दिए गए थे। वहीं बैंक में नकली सोना रखकर गोल्ड लोन कराए गए थे, जिनकी रकम भी करोड़ों रुपए में थी। जहां आज पुलिस को दूसरी बड़ी सफलता मिली है, नगर के बैंक ऑफ बड़ौदा में करोड़ों के गोल्ड व टर्म लोन घोटाले के मुख्य आरोपी हर्षित लोनावत एवं बैंक मैनेजर अनिमेश मिश्रा अब पुलिस एवं सीबीआई के शिकंजे में आ चुके हैं। सर क्या कहें, करेली में काफी लंबे समय से मैनेजर फरार थे, उनको गिरफ्तार किया गया। ये थाना करेली का मामला पिछले साल का जुलाई में पंजीबद्ध हुआ था 420 का। इसमें एक आरोपी जो है, जो तत्कालीन जो बैंक मैनेजर था अनिमेश मिश्रा, वो फरार था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा और उसकी पूछताछ की जा रही है और इस मामले में उसकी गिरफ्तारी की सूचना हम सीबीआई के साथ भी शेयर कर रहे हैं। सर कितने लगभग मामले हैं और कितने करोड़ का गबन का मामला है? ये लगभग 5 करोड़ से ऊपर का गबन का मामला है अभी अनिमेश मिश्रा के ऊपर, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक उनके ऊपर पहला ही मामला है और उनसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है, उनकी पीआर ली जा रही है। थैंक यू।